फ्रेंड्स, कुछ दिनों में आने वाला है न्यू ईयर, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम बनाएंगे केक की रेसिपी। तो हम वायरस की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते हैं सेलिब्रेट करने के लिए न्यू ईयर, तो हम घर पे आसानी से केक बना के सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आई होप ये साल आप सभी के लिए बहुत सारा ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और बहुत अच्छा रहे। तो अब हम चलते हैं केक बनाने के लिए। अगर आपको केक की रेसिपी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। केक बनाने के लिए मैंने इनो लिया है और डेरी मिल्क ओरियो बिस्किट। तो अब हम चलते हैं केक बनाते हैं। ओरियो बिस्किट का हम थैली फाड़ देंगे, ये देख लीजिए। उसके बाद अब हमें इसका जो क्रीम है उसको हम निकाल देंगे। ये देख लीजिए, मैंने दूध का मलाई रखा है, जो दूध गर्माते हैं तो उसका मलाई निकलता है वो है, उसी में निकाल निकाल के सभी बिस्किट का क्रीम रख देंगे उसी में। मैंने 2 पैकेट बिस्किट का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो 1 ही पैकेट बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसका भी क्रीम इसी तरीके से हम निकाल के रख लेंगे। ये देख लीजिए, सभी क्रीम मैंने निकाल के रख दिया है इसी में। अब हम बिस्किट को तोड़ देंगे और इसको मिक्सर में पीस लेंगे। ये देख लीजिए, इसको तोड़ देना है। इसके बाद हम 2 चम्मच शक्कर डाल देंगे, देख लीजिए, ताकि हमारा थोड़ा केक मीठा बने। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं। ये देख लीजिए, इसी तरीके से पीस लिया मैंने। इसके बाद एक बर्तन में निकाल लीजिए। तो इसके बाद देख लीजिए, मैंने दूध लिया है, दूध को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाइए और इसको मिलाते जाइएगा, देख लीजिए, इसी तरीके से अच्छे से इसको मिलाते जाएं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड किया है, देख लीजिए। अब इसे भी अच्छी तरीके से मिला दीजिए। सो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मिलाते मिलाते देख लीजिए कितना स्मूथ और अच्छा एकदम बैटर तैयार हो गया है। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए, मैंने एक टिफिन लिया है, अब उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको मिला देंगे। तेल को अच्छी तरीके से लगा लीजिए डब्बे में जिस पे आप केक बनाएंगे उसमें। सो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों हाथों में तेल लगा लिया है और एक कागज़ ले लिया है, एक पेज ले लिया है। आप भी एक पेज लेके दोनों हाथों से तेल लगा दीजिए पेज में, ये हमारा बटर पेपर एकदम बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है बटर पेपर, तो इसी तरीके से हम बना लेंगे। पेज पे हमने तेल लगा लिया दिया है तो हमारा बटर पेपर का काम करेगा, देख लीजिए, अच्छे से लगा दीजिए। अब इसको नीचे से लगा दीजिए, देख लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे इनो, देख लीजिए। इनो डालने के बाद इसको मिला दीजिए, इसको हमें ज़्यादा मिलाना नहीं है, 1 ही 2 बार मिलाइए। मिलाने के बाद अब हम इसमें पलटी कर लेंगे डब्बे में, जिस डब्बे में हम केक बनाने वाले हैं, देख लीजिए। इसके बाद हमें इसके टैप करना है, इतना जोर का टैप मत कीजिएगा कि बाहर ही आ जाए, तो आराम से टैप कर दीजिए, इसको पटक दीजिए आराम से। अब चलते हैं गैस की तरफ। हम कुकर में बनाने वाले हैं केक, तो इसीलिए कुकर में डाल दीजिए नमक। तो हमें नमक स्वाद अनुसार इसमें नहीं डालना है, आप अपने हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए। ऐसा डालिएगा कि वो जो नीचे का जो हिस्सा है वो दिखे ना, छिप जाए। तो नमक डाल दीजिए। डालने के बाद मैंने ढक्कन रख दिया है, देख लीजिए। अब इसके बाद हम कुकर का ढक्कन ले लेते हैं, इसका रबड़ और सीटी हमें नहीं लगाना है। तो अब इसके बाद हम ये ले लेंगे, देख लीजिए, केक पकने के लिए रख देना है और गैस को एकदम स्लो करके रखना है,
मीडियम भी नहीं रखना है, स्लो रखना है। अब इसको बंद कर दीजिए और 40 मिनट के बाद ही इसको खोलिएगा। 40 मिनट हो गया है, तब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देख लीजिए हमारा केक कितना स्मूथ लग रहा है। अब हम इसमें एक तीली डाल के देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, अगर पका नहीं होता तो तीली में जो है वो लगता केक, तो नहीं लग रहा है, तो हमारा केक एकदम अच्छा से पक गया है। देख लीजिए, के बाद हम रुमाल से इसको ढक करके रख देंगे केक को ठंडा होने के लिए। के बाद मैंने ले लिया है डेरी मिल्क, देख लीजिए, और इसको हम निकाल लेंगे। डेरी मिल्क को अच्छे से तोड़ दीजिए, देख लीजिए इसी तरीके से। दूध को डेरी मिल्क में डाल दीजिए, डेरी मिल्क को गला लीजिए दूध में, इसी तरीके से मिलाते जाना है। देख लीजिए हमारा एकदम चॉकलेट एकदम बन के तैयार हो गया है। देख लीजिए एकदम स्मूथ। सो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए हमने दूध का मलाई लिया है और जो हमने बिस्किट में से मलाई निकाला था वो है, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से मिला दीजिए। इसमें एक चम्मच शक्कर डाल दूंगी, देख लीजिए, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। क्रीम बनके एकदम तैयार हो गया है। अब हमारा केक ठंडा हो गया है, तब हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे, प्लेट व्लेट में किसी में भी निकाल दीजिए। साइड साइड से चक्कू धसाते जाइए, देख लीजिए इसी तरीके से। अब हम इसको पलट देंगे, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए जो हमने वो जिधर जिधर हमारा वो पेपर था, देख लीजिए उधर थोड़ा सा भी किले केक का वो नहीं लगा हुआ है, और जिधर जिधर नहीं था उधर थोड़ा सा चिपक गया। ये देख लीजिए, अब हम इसी तरीके से हटा लेंगे इसका पेज जो हमने लगाया था। ये देख लीजिए, तो ये देख लीजिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। देख लीजिए कितना दबाने पे स्पॉन्जी, ये देख लीजिए कितना, ये देख लीजिए। या अब हम चक्कू से साइड साइड से निशान लगा देंगे। इसके बाद एक धागा ले लीजिए और ये देख लीजिए जिधर से आप चाकू का निशान लगाएं उसी तरीके से बीच में ऐसे करके, ये देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेप में फटेगा। ये देख लीजिए इसी तरीके से, ये देख लीजिए कर दी। अब इसको देख लीजिए दो भाग हो गया है। अब हम ले लेंगे क्रीम और क्रीम को लगा देंगे केक में, देख लीजिए इसी तरीके से। इसके बाद चाकू ले लेंगे और अच्छी तरीके से को फैला देंगे केक पे, देख लीजिए चाकू से अच्छे से क्रीम को लगा दीजिए। इसके बाद अब हम उसका केक का दूसरा पार्ट भी इसी के ऊपर रख देंगे, देख लीजिए। मैंने ले लिया है चॉकलेट्स, अब चॉकलेट्स हमें ऊपर डालते जाना है। इसके बाद हम क्रीम ले लेंगे और उसको हमें साइड साइड में लगाते जाना है। क्रीम को चारों तरफ लगा देंगे ऊपर, ये देख लीजिए, बीच में हमें नहीं लगाना है। इसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा चॉकलेट लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा काजू डाला है, ये देखिए इसी को हम बीच में रख देंगे, ये देख लीजिए इसी तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें देख लीजिए जेली लिया है मैंने, अब हम इसको एक एक करके इसी पे लगा देंगे, वाइट वाइट वाले पे, देख लीजिए वाइट क्रीम पे लगा देंगे। सो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा केक एकदम बनके तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।